अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी फैमिली विजिटर वीज़ा के ऊपर है या आप नए वीज़े पे हैं, अगर आपका या आपकी फैमिली मेंबर का जो है तवक्कलना के ऊपर स्टेटस जो है वो मेडिकल अनइंश्योर्ड विजिटर जो है वो शो हो रहा है, जो कि इंश्योर्ड विजिटर शो होना चाहिए था, तो मैं आपको बताता हूँ आपका जो है स्टेटस इंश्योर्ड विजिटर शो होना चाहिए तवक्कलना के ऊपर। जैसे ये मेरी फैमिली का शो हो रहा है तवक्कलना के ऊपर, मैं आपको बताऊँगा आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर अभी तक जो है लोग जो है वो कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोगों का जो है वो चेंज हो जाता है इंश्योर्ड विजिटर में, कुछ का नहीं हो रहा। मैं बताऊंगा जिनका नहीं हो रहा क्या करना चाहिए, अगर वो चीज़ें ऐसी हैं आपको डिस्प्ले हो रही हैं ये चीज़ें जो मैं अभी बताने लगा हूँ, तो फिर आपका सब कुछ ठीक है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। सिंपली अपने मोबाइल या लैपटॉप से सीधा गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे आपने सिंपली लिखना है CCHI, इस वेबसाइट पे आपने जाना है और उसके बाद आपने क्लिक करना है इसके ऊपर, और उसके बाद आपने ये चेक करना है विजिटर्स इंश्योरेंस इंक्वायरी, इसके ऊपर क्लिक करें। फिर इधर आपके आपके अगर न्यू वीजे पे हैं या आपकी फैमिली जो विजिट वीजे के ऊपर है, आपने उनका जो पासपोर्ट नंबर जो है वो इधर एंटर करना है और उसके बाद ये कोड जो है इधर टाइप कर देना। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। अभी जो स्क्रीन पे जो स्टेटस शो होगा इंश्योरेंस का, आपने ये चेक करना है। ये देखें जो है, ये जब मेरी फैमिली जो विजिट वीजा पे आई थी तो इतमाद वालों ने उन्हें एक साल की जो है COVID-19 की इंश्योरेंस दी थी, एक साल के लिए ये वैलिड है। ये देखें, ये जो इशू डेट थी वो नवंबर 2021 की है और एक्सपायरी डेट जो है नवंबर 2022 की है। तो आपने देखना क्या, आपने ये देखना इंश्योरेंस का जो स्टेटस है वो एक्टिव है या नहीं एक्टिव। अब फिर आपने अगर आपने विजिट वीजा एक्सटेंड किया हुआ उसकी इंश्योरेंस बाय की थी, तो ये देखें ये एक्सटेंड भी मैंने किया हुआ लास्ट वीक, अगर ये लास्ट पे आप देखें तो ये देखें इनका भी जो है ये भी एक्टिव शो हो रहा है। यानी कि आपके पास अगर एक्सटेंशन वीजे की आपने इंश्योरेंस ली है वो भी एक्टिव होनी चाहिए, अगर आपकी विजिट वीजे की इंश्योरेंस है वो भी एक्टिव होनी चाहिए। इसीलिए मेरी फैमिली का जो स्टेटस है वो इंश्योर्ड विजिटर ही शो हो रहा है। हो क्या रहा है, बहुत सारे ग्रुप मेट और व्यूअर जो कमेंट करते हैं उनको मैंने ऑलरेडी ये बताया हुआ है, वो कुछ का जो है जो कुछ ग्रुप मेट है वो बता रहे हैं कि वो उन्होंने क्या किया है, उनका ये इन्होंने अगर आपका ये इनएक्टिव शो हो रही है इधर जो इंश्योरेंस है, तो आपने जिस कंपनी से इंश्योरेंस बाय की थी उनसे जो है कॉन्टेक्ट करना। अगर वो आपको कहते हैं कि हमारी तरफ से एक्टिव है, फिर उनसे आपने वो एक्टिव वाला पेपर लेना है, फिर आपने मैन्युअली इनके ऑफिस जाना है, ये काउंसिल ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस के, अगर ये आपके नजदीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपने क्या करना है, ये कॉन्टेक्ट अस पे जाके इनको कॉल करें, इनको कॉल करके बताएं कि आपका ये इशू है। बहुत सारे लोगों का ऐसा हो रहा है, अगर आपका ये ऐसा नहीं होता फिर भी, एक्चुअली सीन क्या है, बहुत सारे लोगों का ऐसा ही शो हो रहा है, सिर्फ आप अकेले नहीं है, बहुत सारे लोगों का जो है अनइंश्योर्ड विजिटर जो है वो शो हो रहा है। तो ये कभी कभी इस तरह का इशू आ जाता है, इसमें परेशान होने वाले की कोई जरूरत नहीं है। आपने चेक करना है कि आपकी वैक्सीन जो है आपने रजिस्टर करवाई थी सऊदी अरब आने से पहले, वो चेक करना है। तो ये चीजें अपनी तरफ से सारी चेक करके फिर आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर आप नहीं हो रहा, आप टेंशन ना लें, कुछ ना कुछ न्यूज़ जो है वो तवक्कलना की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आएगी। आप मेरा चैनल सिर्फ सब्सक्राइब रखें, जब भी न्यूज़ आएगी मैं इंशाल्लाह अपडेट करूंगा। अगर जिन लोगों का ऐसा हो जाता है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ कमेंट लाजमी कीजिए ताकि दूसरे व्यूअर्स को जो भी है इसके ऊपर फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।